हरित आवरण क्षेत्र में गया जिला पहले पायदान पर लाकर मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी अभियान को सफल बनाना है। न्यू एरिया स्थित युवा क्षेत्र कार्यालय में युवा क्षेत्र के गया जिलाध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा की अध्यक्षता में टेकारी के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को प्रदेश महासचिव बनाए जाने और चंदन सिंह को प्रदेश महासचिव सह प्रदेश कार्यालय प्रभारी बनाए जाने के बाद अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री सिन्हा द्वारा दोनों लोगों को पौधा देकर जहां सम्मानित किया गया, वहीं अंग वस्त्र भी भेंट किया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए युवा जद्र के जिलाध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी अभियान को वे लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पबद्ध है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे बिहार में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। कुमार गौरव ने बताया कि जिले के 24 प्रखंडों के युवा जद्र प्रखंड अध्यक्षों को मनोयन के साथ ही पौधा देकर सम्मानित किया गया। तब उन्हें एक माह के अंदर 10,000 से अधिक पौधारोपण के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके लिए काम किया जा रहा है। इस मौके पर गया जिला के जिलाध्यक्ष द्वारका प्रसाद, श्रीकांत प्रसाद, उत्तंत कुशवाहा, जितेंद्र सिंह, अंकित कुमार कर्ण, दिवाकर कुमार, अरुण राव लोग मौजूद थे। बीडी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। देता हूं और निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूं कि संगठन की मजबूती के लिए जिस तरह का भी कार्य जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पर निश्चित तौर पर हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे, धारदार करेंगे और आने वाले समय में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में जब से पार्टी उनके नेतृत्व में आई है संगठन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, दिन प्रतिदिन, और अनेकों तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चंद्र भैया जैसा कि बताए देख रहे हैं हर एक तरह का प्रशिक्षण, सबसे स्टार्टिंग प्रशिक्षण टीकाकरण पर हुआ, कोविड महामारी के को हम कैसे संगठन के माध्यम से हम लोगों को कैसे जागरूक करें इसके लिए एक प्रशिक्षण हुआ, महिलाओं का प्रशिक्षण हुआ, 4 तारीख को किसान का प्रशिक्षण होने वाला है, इसके बाद फिर युवाओं के लिए कार्यशाला लगेगी, अनेकों तरह का कार्यक्रम संगठन के माध्यम से चलाया जा रहा है। और हम आपके माध्यम से यही आग्रह करेंगे कि इस कोविड महामारी में सब लोगों को मिलजुल कर एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। और जिस तरह से बिहार में, खास करके बिहार में कोविड के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो अभियान चला रखा है, आप देख रहे हैं कि एक एक दिन में, एक एक दिन का जो लक्ष्य होता है बिहार टॉप पर जाता है टीकाकरण में, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आने वाला समय में जो 6 करोड़ का लक्ष्य रखा गया निश्चित तौर पर वो हम लोग बखूबी पूरा करेंगे और सब लोग संगठन के माध्यम से निश्चित तौर पर इसको अमली जमा पहुँचाने में हम लोग पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सारी बात आज गया में युवा जदयू के द्वारा हमारे जो प्रदेश के नेता अभय कुशवाहा जी और चंदन भैया जी को प्रदेश महासचिव का जगह मिला है, उसके लिए हम लोग युवा जदयू गया जिला की ओर से उनका अभिनंदन समारोह रखे हैं। और सबसे पहले तो हम बड़े भैया लोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे गया जिले के जो हमारे नेतागण हैं उनको पुनः प्रदेश में जगह मिला है और इतने अच्छे जगह पे गए हैं और हम लोग के मार्गदर्शक भी हैं, हम लोग को हमेशा गाइडलाइन देते रहते हैं किस तरह से राजनीति करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से समाज सेवा लगातार बल्कि करना है। तो बस आज वही एक कार्यक्रम रखा गया है अभिनंदन समारोह, उसमें हम लोग जिला कमेटी के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ा। ठीक की तरफ से हम सभी साथियों को आमंत्रित किया गया था, पुनः एक बार हम लोग को जनता दल यू के प्रदेश पदाधिकारी मनोने होने पे इन सबों के द्वारा एक हम लोगों के लिए अभिनंदन समारोह रखा गया था। जनता दल यू की तरफ से गया जिला से 5 लोगों को मनोने किया गया है और हम सब बहुत ही ऊर्जावान और अपने को अच्छा महसूस कर रहे हैं कि जिला जनता दल यू गया से राज्य को प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग 5 व्यक्ति को चुना गया है। हम लोग, मुझे भी चुना गया है, माननीय पूर्व विधायक अभय कुशवाहा जी को चुना गया है, यहाँ से अनु सिंह जी को चुना गया है, यहाँ से शौकत अली जी को चुना गया है और यहाँ से अजय कुशवाहा जी को चुना गया है। तो एक बार मैं यहाँ सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। इस समारोह में हमारे माननीय जिला अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद जी, युवा जदयू के गौरव जी,
प्रवक्ता दिवाकर जी, छात्र के उत्तम कुशवाहा जी, अल्पसंख्यक के गुड्डू जी और यहाँ प्रदेश जिला स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। और हम लोग एक बार यहाँ फिर सभी लोग यहाँ पे आपको आश्वस्त करते हैं कि जिला जनता दल यू गया एक पूर्ण सशक्त संगठन के रूप में विस्तारित हुआ है और आगे भी होगा। और जितनी भी राजनीतिक और सामाजिक कार्य में जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो राज्य का विकास कर रहे हैं, आज जो राज्य का विकास है चौमुखी विकास, आप चारों ओर आप देख सकते हैं विकास की किस तरह से धारा बहती है। उस विकास की धारा बहने में हम लोग भी एक अंग के रूप में साथ संगठन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों का भी कार्यक्रम भी होने वाला है, फिर वर्चुअल डिजिटल हम लोगों का सम्मेलन होने वाला है 4 तारीख को, टिकाऊ खेती और खुशहाल किसान। इसके लिए हमारे सभी जनता दलियों के साथी 4 तारीख को, 4 जुलाई को जुड़ेंगे और पूरे राज्य से लाखों लोग जुड़ते हैं। जैसे इससे पहले भी हम लोगों का कार्यक्रम महिलाओं के लिए हुआ था, इससे पहले कार्यक्रम टीकाकरण के लिए हुआ था और करीब डिजिटल में हम लोग 1,30,000 लोग हम लोगों के साथ रियल टाइम में जुड़े थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टी होकर के भी हम लोग राजनीतिक और सामाजिक दोनों विचारधारा से ओतप्रोत हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय रामचंद्र प्रसाद जी ये इस अभियान को लेकर चल रहे हैं और इसमें सभी जिला पूर्ण रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।